जय श्री ओम नमः शिव देवी ओम नमः शिव देवी ओम नमः शिव देवी नमो हरिहंतार्ण नमो सिद्धार्ण नमो आयिरियार्ण नमो वज्रायार्ण नमो लोये समसाहूर्ण वंदितु शंभ सिद्धि धूम चलमणोपति बोछामि समय पापुषध के विलीभणित नमः समय साराय स्वानुभूत चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अनंत धर्मणस्तत्व पश्यन्ति प्रतिगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। इसमें जो दिया है उसका अर्थ करना है मुझे, आप लोग बहुत गहराई से सुनना इस बात को। पर से भिन्न और स्वय से अभिन्न, क्या बोला हमने? आगे जाओ, पीछे बीच गैप क्यों आ गए? आगे की गाथाओं में कहेंगे एकत्व विभक्त आत्मा। आगे गाथा में आएगा एकत्व विभक्त, उसका भाव यहां पर लिया है। पर से भिन्न, स्व पढ़ा था भिन्न, कथनचित भिन्न और एकाकार, कथनचित भिन्न और एकाकार, थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूक्ष्मता से। सरल दृष्टांत दे रहे, बहुत ध्यान से सुनना इस दृष्टांत को, क्योंकि आत्मा में घटित करना अपने को। हम किसी घर में गए और उनके घर में टेलीविजन देखा आपने, अच्छा बंगला देखा, तो आपको एकदम आनंद आ गया। ये आनंद क्या चीज है? सोचो शांति से, क्या चीज है? आत्मा को क्या मिला? किसी घर बंगला टीवी देखने से हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मिला सोचो, जैसे भूखे आदमी को थाली दिख गई, रोटी दिख गई, आनंद कैसे आ गया? नहीं तो आनंद कहाँ है जी? प्रश्न आनंद कहाँ है? भूखे आदमी को रोटी ही नहीं मिली खाने के लिए, दृष्टांत ही दे रहे ना, तो रोटी देखकर, थाली देखकर, मकान बंगला देखकर हमें एकदम आनंद आया। हम ये कहना, आप समय शिखर जी गए, आपको बहुत आनंद आया, तो पूछो कहाँ है वो आनंद? कहाँ है कहाँ? नहीं, सब बकवास बकवास कह रहे हैं हम, ये सब मोह है ये कह रहे हैं। परद्रव्य को देखकर आने वाला आनंद मोह है। आनंद कैसे आ गया? मंदिर में आए, बहुत आनंद आया, तो मंदिर में आप, मंदिर परद्रव्य है। मैं कौन सी लाइन पढ़ा रहा हूं बोलो? पर पदार्थ उनके गुण पर्याय रूप भाव और उन पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने भाव, तीनों से कथनचित भिन्न। मैं इस लाइन को समझा रहा हूं, मिले फिर से आपको समझ नहीं? मोह समझा रहा हूं, मोह। आप पर को देख करके जान करके आनंद मानते हो, ये मोह है। वो पर को जान करके दुख मानते हो, ये भी मोह है। आपने सुबह सुबह अखबार उठाया, रेल का एक्सीडेंट हो गया, 500 लोग मर गए, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, भयंकर सुनामी आई, लाखों लोग मर गए, तो आपको जो दुख हुआ वो आपका दुख मिथ्या है जी कह रहे हैं। इसका नाम है हम परद्रव्य से भिन्न है। क्यों? केवली भगवान लोकालोक को जानते, तीन काल की सारी घटनाओं को जानते, उन्हें तो दुख नहीं होता। आप क्या समझते हो इसके लिए? बहुत दयालु हैं, बहुत पुण्य बांधा होगा। यहां कह रहे मोह है,
इसको कह रहे फोकट की पीड़ा, फोकट की। अरे वाह, तो एक आदमी को दूसरे आदमी के दुख में दुखी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो, सहानुभूति की बात चल रही है, ये लोक व्यवहार की बात नहीं चल रही है। चरणानुयोग कहो, प्रथमानुयोग कहो, वहां तो यही कहेंगे दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए। लेकिन यहां उत्कृष्ट बात चल रही है, सिद्ध भगवान किसके दुख में दुखी होते हैं, अरहंत भगवान किसके दुख में दुखी होते हैं, दिगंबर मुनि भगवंत किसके दुख में दुखी होते हैं। दिगंबर मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, उनकी आंख खुली तो पास में गड्ढा था या पानी की टंकी थी, उसमें कोई मक्खी पड़ी थी, कोई कफ पड़ा था, उसमें मक्खी चिपकी हुई थी। पानी में कोई जीव गिर गया, उड़ता हुआ पक्षी जैसे चार इंद्रिय जीव गिर गया, तो मुनिराज क्या करते हैं, बोलो भाई क्या करेंगे, मनीष कुछ नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं निकाल निकाल के। हाँ बोलो क्या करेंगे, नहीं हम तो ये कह रहे कि अपने उपयोग नहीं है तो भी क्या करेंगे। यही हम सिखाना चाह रहे, मुनिराज उपयोग आत्मा में नहीं होने पर भी उस जीव को देख ले में तो भी नहीं निकालते हैं। वो मुनि दशा नहीं है, वो स्वरूप नहीं है मुनि दशा का। एक मुनिराज रक्षाबंधन की कथा में आता है ना, विष्णु कुमार मुनिराज, फिर टोडरमल जी साहब ने क्या लिखा, इससे छल ग्रहण नहीं करना। उन्होंने प्राश्चित लिया, अब प्राश्चित का पता नहीं है अपने को, प्राश्चित लिया उन्होंने। मुनिराज मैंने बहुत सोचा प्रैक्टिकल निकालो, गिरते ही रहेंगे, आप दिन भर जंगल में बैठो, असंख्यात जीव आपको मरते फंसते गिरते काटे जाते, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है, ये करते हुए दिखेंगे, आप क्या करोगे। एक दिगंबर मुनि भगवंत, बगल में दिगंबर मुनि भगवंत ध्यान में है, और सियालनी उन्हें खा रही है, ब्याघ्री उन्हें खा रही है, दूसरे मुनिराज बगल में विराजमान है, उसे भगाने की चेष्टा भी नहीं की, भगाने की भी चेष्टा नहीं की, चिल्लाई नहीं, बेचारे अरे वो खा गया, अरे हाथ खा गया, अरे राम राम आप खाओ, ये कुछ भाई क्या कमाल। मैं क्या पढ़ा रहा हूं इस गाथा का, मुझे है ना, पर से भिन्न हुआ मोह काय का नाम है, तुम पर से भिन्न अनुभव नहीं करते, ये मोह है। आत्मा कैसा है, पर से भिन्न स्वय से अभिन्न, देखो उस वस्तु स्वरूप को, तुम्हारी तुम्हारी दुखी होने से भी वहां क्या हो गया। एक काम करो, आज प्रतिज्ञा कर लो, सड़क पर लोग थूक देते हैं कफ, उसमें मक्खी फंस जाती, कोई जीव फंस जाता, निकालो आप निकालने की भी चेष्टा करो, उसकी मृत्यु आई है तो वो मर ही जाता है, आप बचाना चाहते हो तो भी मर जाता है, आप क्या करोगे। आचार्य देव कहते हैं तू पर का, अब ध्यान रखना चरणानी में नहीं ले जाना इस बात को, चरणानी की शैली अलग है, द्रव्यानी की शैली है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भला कर सकता नहीं है, भला करने का भाव आता है लेकिन वो मोह है, बुरा करने का भाव आता है वो मोह है। बस सूक्ष्म चर्चा है, थोड़ी सी फैलाने की जरूरत नहीं है, पर से भिन्न, पर द्रव्य से भिन्न, नंबर एक पर द्रव्य से भिन्न। सरल दृष्टांत दे रहे, अपन ने किसी को मकान दिया किराए से, वो कील ठोकता है, कील जोर जोर से, तो यहां कील ठोकती है, तो एकदम तकलीफ हो रही, कहा भैया कहा कर रहे हैं हम, कहा किराए से मकान दे दिया तुम्हें, रोज के रोज खट खट, रोज के रोज कपड़ा कूट रहे, रोज के रोज तुम नमक कूट रहे। आप कभी देखे देखो किराए से एक आध मकान, ऊपर कोई रोज नमक कूटे खलबट्टा में, तो आपको ऐसा लगता है हमारा घर गिर जाएगा। मैंने आपको जो तकलीफ हो रही ना, ये पर से भिन्न नहीं अनुभव करने की तकलीफ है। कुछ बोलूं, फिर से बोलूं, वो स्वानुभव कैसा है कि पर से भिन्न है और स्वय से अभिन्न है,
कैसा स्वयं से अभिन्न होगा कि परद्रव का चाहे जैसा परिणाम होने पर भी इसे दुख नहीं होता। चाहे जैसा जगत परिणमो इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। दिगंबर महाराज विराजमान है और कोई गाली देता है, कोई अवसर करता है, कोई नाना प्रकार की बातें होती हैं। 7 दिन अवसर हुआ, बोलो क्या अनुभव कर रहे थे कि पर से भिन्न अनुभव कर रहे थे। ये सम्यक दर्शन क्या है, स्वानुभव क्या है, चारित्र में लीनता क्या है, वो पर से भिन्न अनुभव कर रहे। उसने हमें गाली दी, कहां दी हमने, वो अपना ही पर्णमन कर रहा था, मेरे में तो कोई पर्णमन नहीं किया। उन्होंने पत्थर मार दिया आपको, कहां मार दिया, मैं तो वह हूं जहां पत्थर छूता तक नहीं है, और जिसे लगाए वो मैं हूं नहीं, मैं पर से भिन्न हूं, पत्थर से भी भिन्न, उससे भी भिन्न, और जिसे लगा उससे भी भिन्न हूं। क्या बढ़ गया, पर पदार्थों देखा, पर पदार्थों उनके गुण पर्याय रूप भावों से और पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भिन्न। अब मेहनत लगेगी, अब देखो थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन तुम सही सही बताओ ना, भूखे आदमी ने टेलीविजन देखा तो क्या आनंद आ गया, और फिर चालू टेलीविजन, अब परद्रव के भाव लेना है, परद्रव के भाव ने चालू टेलीविजन में रसगुल्ला देखा तो इसे कितना पेट भर गया। तो परद्रव और परद्रव के भाव दोनों से हमें क्या फायदा होता है। कितने दृष्टांत दें, बोल, कैंसर से ग्रस्त मरीज मरने वाला है, मरने वाला है ना, ध्यान रखना, और डॉक्टर मिल गया, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, उसे क्या फायदा हुआ, क्या कहा हमने, कैंसर ग्रस्त मरीज मरने वाला है, अच्छा डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, कितना खुश होगा, बोलो, बिल्कुल खुश नहीं हो, क्यों, हमें क्या फायदा हुआ, मैं तो मरने ही वाला हूं, पॉइंट पकड़ो ना, मरने वाला है तो हमें लाभ नहीं होता, तो कैंसर और डॉक्टर और हॉस्पिटल से हमें क्या फायदा, बराबर है। अब इतने में समाचार आया कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ी नौकरी मिल गई उसको, 10 करोड़ रुपया साल की, तो उसे क्या मजा है, वो तो मरने ही वाला है। मैंने परद्रव के भाव, भाव में हमने क्या ले लिया, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। सुनो, तुम्हारा नाती डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, CA बन गया, उसकी सैलरी हो गई, मतलब उसका ये भाव सुनकर, भाव मैंने उसका परिणमन सुनकर, इसे क्या फायदा हो गया, सोच जरा शांति से। ओहो, तो परद्रव और परद्रव के भाव से हमें कोई फायदा नहीं। तो यहां तक तो सरल कायदे से बात सरल है। अब तीसरी बात थोड़ी सूक्ष्म है, और सूक्ष्म है, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी भिन्न। क्या लिखा है, कथनचित भिन्न, सर्वथा भिन्न नहीं, परद्रव के निमित्त से होने वाला मोह, राग, द्वेष, विकल्प, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, जो हुए ना, इससे आत्मा सर्वथा भिन्न नहीं है, कथनचित भिन्न है। तीन चीजें समझ में आ गई, परद्रव और परद्रव के गुण पर्याय, मैंने उसका परिणमन ले लो इस शॉर्ट में, गुण पर्याय, बहुत अच्छा मकान देखा, मैंने उसका परिणमन देखा, हमें क्या फायदा होगा। तो परद्रव देखने से आनंद नहीं आता, परद्रव के परिणमन को देख करके भी आनंद नहीं आता, गुण पर्याय को देखकर आनंद नहीं आता, यहां तक तो ठीक, लेकिन परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी कथनचित भिन्न। थोड़ा बोलो, मंदिर देखा, मंदिर में जिनेन्द्र भगवान देखे और जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप का विचार किया, यहां तक हो गया परद्रव और परद्रव के भाव, जिनेन्द्र देव के स्वरूप का विचार किया अपन ने, और उनके प्रति जो भक्ति उत्पन्न हुई, अनुराग उत्पन्न हुआ, उससे भी आत्मा की अनुभूति कथनचित भिन्न है। विषय भोगों में भी लगाओ, विषय भोगों में भी कोई तुम्हारा बुरा करने में समर्थ नहीं है, परद्रव का परिणमन तुम्हें दुखी नहीं करता, लेकिन मिथ्या दृष्टि परद्रव का परिणमन देख के दुखी होता है। जैसे अभी दृष्टांत दिया था ना, वो किराएदार कील ठोकता है, तो परिणमन किसका हो रहा था, दीवाल का, मैंने पुद्गल द्रव का, तुम्हारा क्या हो रहा था, तुम जाओ रहे दुखी। भारत की टीम हार जाए क्रिकेट में, तुम्हें क्या दिक्कत है, और जीत जाए तुम्हें क्या फायदा होता, होता नहीं जरा। तो भारत की टीम जीते तो भी तुम्हें फायदा नहीं होता, और भारत की टीम हार जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। इसमें मैंने बहुत मेहनत की, बहुत, जो एंड बता रहा हूं, एंड मैंने जो मेहनत की उसका एंड बता रहा हूं। अब मैं एक बात सोचता हूं,
तुम मेरी गाली दे रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो, मेरा कोई बुरा कर रहे हो, लोग भाषा में तुम बुरा कर रहे हो। तो मैं सोचता हूँ यदि मैं एक समय पहले गुजर गया होता तो क्या मैं राग द्वेष करता? नहीं करता, तो ठीक है अब मैं रेडी हूं, मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। पर्दे के पढ़ने से मुझे कोई लॉस नहीं है, किसी गाली देने से मेरा लॉस नहीं है। अरे साहब उन्होंने व्यापार में आग लगा दी तुम्हारी, सुनो कोई व्यापार में आग नहीं लगा सकता। यदि कहना ही हो तो पुद्गल का पर्णमन है, और कहना ही हो तो कर्म का उदय है, ये करता नहीं है। फिर से बोल रहा हूं जोर से, कोई भी मेरा बुरा करता नहीं है, कोई भी मेरा भला करता नहीं है। क्यों? कर्म के उदय में जो पर्णमन होता है उसमें निमित्त होता है और निमित्त करता होता है। ऐसा तो साक्षात देख लो, आप गालियां दे रहे थे हमें दुख हुआ, सुना वो उसके गाली देने से दुख नहीं हुआ, तुम मोही हो ना इसलिए दुखी हो। मैं दृष्टांत दे चुका हूं, वो गाली दे और 1,00,000 रुपया दे तो आपको मजा आया था सुबह, वो गाली दे और तुम 1,00,000 भी दे तो मजा नहीं आया था सुबह। हम दूसरा दृष्टांत दे रहे, बिना टिकट रेल में जाओ, बिना टिकट, अब TC नहीं आया 3 घंटे तक, 3 घंटे तक TC नहीं आया, तुम दुखी रहे कि सुखी रहे? बोलो, बिना बिना टिकट बैठे थे तो तुम्हें कौन दुखी दुख कर रहा था? परद्रव तो नहीं आया, वहां TC तो नहीं आया, तो दुखी कौन कर रहा था? कि परद्रव के निमित्त से होने वाले तुम्हारे भाव। फिर सुन लो अच्छी तरह से, विश्व में कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं करता। तो कैसे दुखी सुखी होते हैं कि तू परद्रव का पर्णमन देख देख करके दुखी होता है? सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल, मैं चाहता हूं आप लोग इस पर मेहनत करें, इस पर वर्कशॉप होना चाहिए, मतलब 2-4 दिन की वर्कशॉप, समझते हो ना, इसी का घोटाई होगी, आपको पूछा जाएगा। आपने देखा है घर में 90% झगड़े केवल इसलिए होते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग पर्णमन नहीं हो रहा है, 100 मैंने घर में इसी बात का तनाव होता है, तुमसे 1,000 बार कह दिया है। मैंने जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है उसका मेन डायलॉग होता है, स्टार्टिंग डायलॉग, मैंने 1,000 बार कह दिया कि तुम ऐसे मत किया करो। एक IAS थे, 2 IAS, पति पत्नी दोनों IAS थे पढ़े लिखे, तो पति और पत्नी में इस बात पे झगड़ा होता था कि तू मुंह खोल के मत खाया कर। अब वो खाती थी तो आप देख, जो बच्चे जल्दी में होते ना, स्कूल कॉलेज जाना हो, परीक्षा देना हो, कुछ करना, तो मैं मुंह खोल के खाती, मैं मुंह बंद करके नहीं खा सकते, तो वो बेचारी पूरी जिंदगी पढ़ाई पढ़ाई की हापर दूपर में और खा के चली जा रही। अब पति पत्नी हो गए ना, तो आमने सामने बैठते हैं, पहले तो चौथे काल के पति पत्नी तो ऐसे बैठते थे कि पहले पति खा लेता था फिर पत्नी खाती थी, अब पंचम काल का जमाना है तो आगे आमने सामने बैठते वो डाइनिंग टेबल पे आमने सामने बैठते, तो जब मुंह में खाते हैं और बातें भी करते हैं, तो खाते हैं ना तो वो उसका पूरा मटेरियल दिखता है मिक्सी का और खाते हैं तो इधर, तो पति देवता आपने देखा ना, इंग्लिश सिस्टम है ना, इंग्लिश सिस्टम भी कभी मुंह खोल के नहीं खाते, इंग्लिश में ऐसे सूप वगैरह पी ऐसे मुंह बंद करके खाती, बहुत धीमे धीमे मुंह बंद करके खाती। अब जो उसे मुंह लिया तो वो तो सामने बैठता था ना, उसकी मुंह दिखता था तो बहुत बुरा लगता, हर बार कहता देख मुंह बंद करके खाया कर, प्रेम से समझा दिए 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार मुंह बंद करके खाया कर, आखिरकार वो उसे तलाक हो गया। सच्ची घटना है इंडिया की, भारत की नहीं। तो अब मुझे जो कहना है वो समझो, मुझे जो कहना है वो समझो, तो यहाँ पर वो पर्दर का पर्णमन मेरे अपेक्षित नहीं हो ना, ये दुख हो रहा है। वो इसलिए जानबूझ के नहीं चबाती थी कोई, वो इसे दुखी करने के लिए नहीं चबाती थी, वो उसकी हैबिट थी। अब ये तो मैंने एक दृष्टांत दिया, आप देखो माँ बेटे को खाली बिठा दो कमरे में, कोई काम मत दो दोनों को, तो पहला काम यही होगा कि बच्चे को डांटती रही, चुप ऐसे नहीं बैठ, ऐसे क्यों कर रहे, उधर क्यों देख रहे, इधर देख, मुझे वो सबसे ज्यादा मम्मी भी खाली और बच्चा भी खाली। अब बच्चा ऐसा तो नहीं बैठ सकता कि मम्मी ने कह दी मूर्ति, गेम होता है ना मूर्ति है, अरे भगवान मूर्ति एक गेम होता है हमारे यहाँ, स्टैच्यू, स्टैच्यू अंग्रेजी में स्टैच्यू माने मूर्ति, भाई
तो अब यहां से तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आप देख लेना, आप भी देख लेना, आप खाली बैठे हो गए, बच्चा हो दुकान पर, क्यों सीधे नहीं बैठ सकते, शांति नहीं बैठ सकती, पांव क्यों मटका रहे हो? अभी देख कोई कोई पैर ऐसे कर देते, तो बुजुर्ग लोग फालतू होंगे तो टॉकिंग बहुत बेकार होता है, आप सगुन होता है, बुरा होता है, तुम्हें कंप रोग हो जाएगा, भला हो जाएगा, जाने कितने सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अरे भले आदमी थोड़ा स्वतंत्रता से पढ़ना दे दे उसे। हाँ नहीं, हमें ये कहना है कि पर्द्रव का परिणमन स्वतंत्र है, तो तू स्वतंत्र अनुभव कर बस, मतलब वो तेरे दुखी करने के लिए थोड़ी ऐसे परिणम रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी गली में बच्चे खेलते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस दिन से आप कार ले आते हो ना उसी दिन से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? ए यहां नहीं खेलना, अब हमारी कार रखी ना, यहां नहीं खेलना, हाथ नहीं लगाना, चलो उधर जाओ। बेचारे बच्चे पहले भी खेलते थे, अब भी खेल रहे, उनका कोई उद्देश्य नहीं तुम्हें नुकसान पहुंचाना, लेकिन तुम कार ले आए ना अब तुम दुखी। फिर समझो परद्रव कि तुम बहुत निर्णय करना पड़ेगा जी, अत्यंत भाव का, एक द्रव दूसरे द्रव को दुखी नहीं करता, कितनी सुंदर है। पृथक आत्मा देखो, पृथक आत्मा, प्रत्येक आत्मा क्या मतलब, परद्रव से भिन्न है। कैसे भिन्न है? हमने मुझे का दृष्टान दिया, उपसर्ग आने पर भी देखो सियालनी खा जाए तो भी वे पृथक आत्मा देखते हैं और आनंद में रहते हैं, लीनता करते करते केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते। मेहनत तो यही करनी पड़ेगी। अभी भी अपन क्या सोचते, सुनो ध्यान से, मंद कसा है ना, इसलिए अपने को लगता है हम धर्मात्मा है। नहीं, मजा तो जब है जब देह में कुछ हो जाए, पर्दे में कुछ हो जाए, हो गया तो हो गया, क्यों पर्दे के परिणाम से मैं भिन्न हूं, पर्द्रव से भिन्न नंबर वन, और पर्द्रव के गुण पर्यायों से भिन्न, माने उसके परिणमन से भिन्न, माने उसके भाव से भिन्न। मावा से भिन्न, दूध से भिन्न, और उसके बन गए रसगुल्ले उससे भी भिन्न, और उसे खाने के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ उससे भी भिन्न। तीन चीज, दूध, दूध का बना रसगुल्ला, छेना बन के रसगुल्ला बना, और फिर उसको प्रति राग उत्पन्न हुआ खाने का, और मजा आया, मंद कसा तीव्र कसा जैसा भी, उन तीनों से भिन्न अनुभव करो, इसका नाम आत्मा का अनुभव है। प्रत्येक आत्मा समझ में आया? हाँ, तो मेहनत है थोड़ी सी, मेहनत तो करो, मेहनत करो माने निर्णय करो। तुम पूछा था अभी यार, भूखे आदमी को रोटी दिखाने से क्या फायदा होगा? वो तो कह रहे कोई फायदा नहीं, अच्छी अच्छी मिठाइयां बन रही है, खुशबू आ रही, वो क्या हमें क्या फायदा, ये खुशबू आने से हमें क्या लेना, हमें तो पेट में नहीं गया ना। ऐसे ही परद्रव मेरे में नहीं आया, उसके निमित्त से मुझ में आनंद और दुख नहीं आया। इस तरह ज्ञानी, अब आपकी भाषा में कहेंगे कि ज्ञानी मात्र ज्ञायक रहते हुए मात्र ज्ञाता रहते हैं, दुखी होते नहीं। सूर्य में अंधकार त्यों दुख नहीं ज्ञायक में, नहीं सूर्य में अंधकार, सूरज में अंधकार होता है नहीं, ऐसे दुख ज्ञायक में है ही नहीं, फिर दुखी क्यों हो रहे तुम? टोटोमेजी सामने लिखा है, टोटोमेजी सामने बादल आते हैं, बादल बादल, तो जैसे कोई व्यक्ति उन मेघों में, मेघ पटल है बादल, उन मेघ पटल में कल्पना करता है, हाँ कितना सुंदर महल लग रहा है, हाँ मंदिर लग रहा है, बिखरे नहीं, तो तू दुखी होगा, तू वो तो बिखरेगा ही, ये मेघ पटल है। देखो जब तक आप दर्पण नहीं देखते तो आप सुखी रहते हो, दर्पण देख के देखो एक घंटा। क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, दर्पण देख के देखो, दर्पण देखते ही आपको विकल्प आने लगे, दांत कैसे हो, अच्छा जी वाला दांत है क्या? और बाल सफेद हो, ओ यार अब तो लगन लगे पन 40 के, यहाँ जी दांत गिर जाएंगे, जी बाल सफेद हो जाएंगे, भला यार आप देखो दर्पण, आप दुखी होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आप पर्दे के परिणाम से भिन्न हुए नहीं देख रहे हो, मतलब बाल सफेद हो मेरा क्या चला जाएगा, सोचो शांति क्या चला जाए, दुख यायक में है ही नहीं, जबरदस्ती दुखी हो रहे है। आप प्रूफ करके बताओ कि आत्मा पर से दुखी होता है, प्रूफ करो, पर से सुखी होता है, प्रूफ करके बताओ, यही तो सबसे बड़ा मोह है। हो परद्रव और परद्रव के परिणाम से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परिणाम सब इतने सारे जीव, जैसे मान लो मेरे निमित्त से 1,00,000 जीव मोक्ष चले जाए तो मुझे क्या फायदा हो, अभी परिणाम का कह रहे हैं, परद्रव का परिणाम, तो मेरे निमित्त से बहुत सारे जीव मोक्ष में चले जाए
और धन्य सुमत प्रकाश जी, उनके कितने शिष्य होंगे, कितने चेले हो, कितने मोक्ष में चले गए, कमाल कर दिया सुमत प्रकाश जी ने। जैन शासन कह रहा है परद्रव के पढ़ने से मुझे रत्ती भर लाभ नहीं है। क्यों? जैसे LIC की एजेंसी होती है ना, क्या कहलाती वो, उसमें जितने जितने आप मेंबर बनाते जाते हो उनका फिर वो कुछ मिलता जाता परसेंटेज क्या मिलता है, बोनस मिलता है, क्या मिलता है, प्रीमियम, क्या कमीशन, हाँ कमीशन मिलता है ना, वो सब आप इतने इतने जितने वो बना दो, फिर वो जितने जितने जमा कराते हैं और फिर जितने जितने आप वो क्या बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, चैन सिस्टम आप बनाओ एजेंट, फिर वो 10 एजेंट बनाए, फिर वो 10 एजेंट बनाए, तो उन सबका कमीशन भी आपको मिलता है। ऐसा मोक्ष मार्ग में नहीं है कि 1 लाख जीव मोक्ष गए तो 1 जीव फ्री 1 लाख जीव मोक्ष चले गए सुमत प्रकाश के उससे, तो उनका 1% निर्जरा संबंध नहीं मिले, ऐसा नहीं है। इससे क्या फायदा होगा, इसीलिए ज्ञानियों को इतने ज्ञानी इनके निमित्त से इतने जीव मोक्ष चले जाते हैं तो अभी उन्हें राग उत्पन्न नहीं होता। और मान चलो उनके निमित्त से कोई ना उल्टे, अब इससे खतरनाक और बात कर रहा हूं, बल्कि उनके निमित्त से उल्टे और पढ़ने में गए तो अभी वे दुखी नहीं होते, क्योंकि मैं करता हूं काय का वर्णन चल रहा है, परद्रव्य और परद्रव्य का भाव। अब देखो पहला वाला तो थोड़ा सरल लगता है, हालांकि यह तो कठिन ही कठिन, मैंने मेहनत लगती है, मेरे निमित्त से 1 लाख जीव जो पलट जाए फटाफट, 1 लाख मेरे साथ चलने लगे शिष्य बनकर, तो आनंद नहीं आएगा। सुनो, जो परद्रव से भिन्न देख रहे हैं और परद्रव के भाव के भिन्न से, भाव से परमन से भिन्न देख रहे हैं, उन्हें तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आप माने चले जाए, बिखर जाए, छूट जाए, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मेरा बड़ा नाम है समझ लो, तो मैं उसका क्रेज अनुभव करूंगा तो मिथ्यात होगा, और कितना बढ़िया होगा, ये प्रवचन करते समय भी मैं इस प्रवचन करने के भाव से भिन्न हूं, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, इनका जो पढ़ना मनोहर उसका कर्ता भी मैं नहीं हूं, ये सुधर रहे हो तो कर्ता नहीं हूं और बिगड़ जाए तो कर्ता नहीं हूं, ऐसा अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि है। मुनिराज है कर्म काट के मोक्ष चले जाएंगे। अब जी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत मतलब अपन क्या करते हैं, प्रवचन तो सुन लेते हैं, इसके बाद मालूम घर में क्या हो, घर में जाके वही फिर दादागिरी, दादागिरी समझिए, 1000 बार कह दिया ऐसे ही पढ़ना में हो अरे ऐसे कैसे पढ़ना में हो, ऐसे ही पढ़ाई करे, कैसे पढ़ाई करे, मतलब जैसे पढ़ेगा वैसे ही पढ़ेगा। जैसे तुम गाय को सीधे बैठा के दिखा दो प्रवचन में तो 1 करोड़ का तुम्हें इनाम पापा को वो नहीं, बच्चा है वो स्वतंत्र ही बैठेगा। अब मैं बार बार उसे देखूं ऐसे क्यों बैठे हो, सीधे बैठेंगे तो पद्मासन बैठो, ऐसे बैठो, अब बेचारे वो कह रहे भैया जब हाथ जोड़े पंडित जी के हम तो जा रहे क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। फिर से सुनो, जैसा परिणाम रहा है उससे मुझे लाभ हानि नहीं है। पढ़ो मेरी भावना पढ़ो, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही। शादी बात खराब दृष्टांत है थोड़ा, शादी बात पति को कितने दिन में गुजरना चाहिए, खराब दृष्टांत है पूरा नहीं मानना, अब कोई जवाब नहीं देगा मुझे पता शादी बात कितने दिन में गुजर जाना चाहिए, अब जी जो तुम्हें अपेक्षा है ना इससे तुम दुखी हो, कोई निर्णय नहीं कब कर्म का उदय हो, किसकी आयु पूरी हो जाए, जल्दी चला जाए, परसों देर से चला जाए, अब यहां तक 4-3 चार दिन पहले अखबार में भाव में पढ़ने के पहले ही एक्सपायर हो गया, अब यहां तो एक्सपायर हो गया, क्या कर क्या सकते हो आप, पूरा जगत इससे दुखी है, समझ लो गृह मिथ्यात है, गृह मिथ्या जरूर अपशगुनी लड़की होगी, जरूर वैसी होगी, महिलाएं खा जाती हैं प्राण, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, शादी क्यों छूट गई, देर क्यों हो गई, फल अरे केवल ज्ञान में झलक रही कहां होना है, बहुत जरूरत है, हम संभालते नहीं तत्व ज्ञान देके, बिल्कुल नहीं घबराओ, नहीं हुई तो नहीं हुई, और लेट हो तो और लेट हो जाए, और हो जाए नहीं हो तो और अच्छी का दिक्कत है पाने, लेकिन समाज का तत्व ज्ञान नहीं होने से बड़ी तकलीफ होती है। आप यदि समाज का करैक्टर देखो ना, समाज का करैक्टर, समाज में स्त्री और पुरुष जितने मिथ्या से दुखी नहीं होते उतने समाज से दुखी होती मिथ्या से भी ज्यादा बड़ा दुख है समाज का। मैं तो ये कमेंट्स करके चलते बनी खत्म, अब अपन रोते रहो, मत रोना, ये पढ़ा रहे मत रोना, परद्रव्य और परद्रव का भाव
मुझे तो एक गाना याद आ रहा है, पुराने जमाने का गाना है, मतलब मस्त रहने के लिए है। कुछ तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा लगता है। अब नेमिनाथ भगवान सोचते अब समाज क्या कहेगी, मेहंदी लगी है रास्ता में, सब देखेंगे अपन नगरी दिगंबर चले जा रहे, लोग मेहंदी देखेंगे तो पूछे क्या क्या होगा, पैर में मेहंदी, हाथ में मेहंदी और पूरे में हल्दी, क्या होगा, दिमाग खराब तो नहीं होगा भाई जितने मुंह उतनी बातें। आप एक बार देख लें समाज में तो जितने मुंह, अपन क्या कह रहे फिर, कितना शांत परिणति होती है परद्रव और परद्रव के भावों से कितने लोगों ने कितनी बातें करी होंगी, खुशी से परद्रव और परद्रव के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने भी भाव। अब अपने भाव भी समझाऊंगा, अभी तीसरा पॉइंट है थोड़ा उसे भी समझाऊंगा, अभी दो समझ लो अच्छी तरह से। फेल होने की समस्या नहीं आती, समस्या इसकी अब दोस्त क्या कहेंगे। अपन नौकरी छोड़ के जाओ अमेरिका से तो इस बात की प्रॉब्लम नहीं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं नौकरी की, क्यों जाए हम अमेरिका, कोई जरूरत नहीं। लेकिन लोग कहेंगे फिर पढ़ाई काहू करी थी, फिर इतने पैसे काहू खर्च करे थे, तुमने एमबीए काहू करी थी, फिर बीएससीए सीएस काहू करी थी, जब तुम्हें कुछ नहीं करने थी दुकान पे बैठना थी, तो ये भी कोई बात है, क्यों करी थी, करी थी करी थी, योग्यता के लिए करी थी। जरूरी है कि हर काम के लिए नौकरी की जाए, मेरा मतलब अपन दुखी मत रहो। और मैं सच कहता हूं इस गणित को मैंने अपने जीवन में लगाया, बहुत लगाया, मैं बहुत मजे में रहा हूं, अभी भी इसलिए मजे में हूं। मैं जब कॉलेज में पढ़ाने जाता था ना तो 21 साल का लड़का, मैं तो उस दिन की बात करूं जब जॉब कर रहा था प्रोफेसर की, 21 साल की उम्र थी, तो कितना रंगरूट होता है लड़का, कितना जवानी का जोश होता है, ऐसा ब्यासा रुतबा क्या कहते, कपड़े वपड़े पहनना कल्पना ही नहीं कर सकते। प्रोफेसर लोग गाड़ी और कार से नीचे नहीं उतरते, मोटरसाइकिल कार कुछ कुछ ले लेती। मैं 100 रुपए की साइकिल पे जा रहा था, 100 रुपए की साइकिल मैंने 10 साल पुरानी सेकंड हैंड साइकिल, 10 साल भी नहीं शायद 20 साल पुरानी, हाँ 100 रुपए में क्या मिले 100 रुपए की साइकिल एकदम बिल्कुल सेकंड हैंड थर्ड हैंड फोर्थ हैंड होगी भगवान जाने, मैंने किसी काम उसमें मैं अच्छी वाली सीट कवर इसलिए नहीं लगाता था वो गद्दीदार, कोई बुलेट मार जाएगा क्या फायदा। मतलब साइकिल की शकल इतनी सुंदर होती थी कि कोई उठाएगा ही नहीं हमें क्या फर्क पड़े। तो लोग बहुत मैंने सोच सोच के जो दुख होता है ना, लोग क्या कहेंगे, स्टूडेंट क्या कहेंगे, फिर मैं बहुत सोचता था आज मैं साइकिल के बारे में सोच रहा हूँ तो मोटरसाइकिल लाऊंगा, फिर लड़के तो कार से आएंगे तो मैं क्या करूं, और फिर मैं कार ले आऊंगा मान लो, फिर हेलीकॉप्टर से आएंगे तो मैं क्या करूंगा। अब मैं कार ले आया, कार में रोज के रोज खतरा है, आज स्टूडेंट को अपने डांटा है, उसकी नकल पकड़ ली, पक्के में आज कांच टूटा मिलेगा, पेट्रोल की चोरी करी मिलेगी, ऊधम पट्टी मिलेगी, कील ठोक जाएगा वो टायर में, हम कितने परेशान। हमें लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं, 125 रुपए कुर्ता पजामा पड़ाया मैंने, सबसे महंगी चप्पल पहनी मैंने 32 रुपए की, वो भी कौन सी रिडक्शन सेल, बाटा की रिडक्शन सेल की 32 रुपए की चप्पल पूरी जिंदगी मैंने केवल 160 रुपए का जूता पहना, उसे 3 साल खींचा मैंने कॉलेज में पढ़ाते समय, मैंने 160 रुपए का उसे मैंने अच्छी तरह से। मेरा मतलब है कि हम दुनिया को देख के नहीं जीना चाहिए, ये कह रहे हैं अब जियो, हमें अच्छा लग रहा है उसमें क्या दिक्कत है, हमें इन कपड़ों में अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं, हमको आगे फेर, हम ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर थोड़ी हैं, कभी ऊँटे के बाल सपाट कर दे, कभी ऊँटे के इतने सपाट कर दे फिर एक नई फैशन आएगी तो तब गोल कर देंगे, तुम कार्टून हो क्या मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, कभी है किसी को देख के मत जियो, नहीं तो जी नहीं पाओगे, फिर कह रहे नहीं जी पाओगे। आपको पुराणों की कहानी सुना रहे, नीली सती की कहानी पढ़ो, आप सोमा सती की कहानी पढ़ो, दुनिया क्या कह रही है कहने दो, उसने रात्रि भोजन का नियम नहीं तोड़ा तो नहीं तोड़ा, सांप का हार बन गया तो इसीलिए बन गया वो, कि वो सासू कितनी सासू ने कितने उपाय किए होंगे, चिल्ला चौंट लड़ाई झगड़ा कमेंट्स कटाक्ष, और पति ने भी कितना किया हो जो कुछ किया होगा, लेकिन नहीं जिन मंदिर की पूजा का नियम नहीं तोड़ेंगे हम, आखिरकार जो जो हुआ सब पता है आप वो स्टोरी,
मैंने वो तुम क्या कह रहे हैं, हम न्याय मार्ग नहीं छोड़ेंगे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना पद डिगने पावे, कभी नहीं डिगे। कई बार बच्ची होती है शादी के पहले कोई नियम ले लिया, आलू नहीं बनाएंगे या नहीं खाएंगे, तो अब फिर वो तलवार से लटकती, कहीं ऐसा लड़का मिल गया हो तो बनाने पड़ो तो चूल्हे छोड़ भाड़ में जा पहले कहो ए मिस्टर पहले नहीं पहले किया था सगा सगाई की पहले ही कह दे सगाई की पहले नक्की करो खत्म है छुट्टी हो गई नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब अपन चले गए और फिर वहां रोल पहले रोल करने लगा करते रहो, तुम ज्यादा हो तो हम भूखे रह सकते लेकिन हम नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे। प्रतिज्ञा मैंने प्रतिज्ञा या फिर ऐसी प्रतिज्ञा मत ली, मैंने जो लिया है तो दंड रहो, थोड़ी तपस्या तो होगी थोड़ी परीक्षा तो होगी लेकिन पहले दृढ़ रहो। मैं एक बात बता दूं सभी बच्चों के लिए, जिंदगी में आप छोटा से छोटा नियम लो प्रतिज्ञा की परीक्षा होगी, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लो तो भी परीक्षा होगी। आप कभी ऐसे मत सोचो कि फिर ऐसे तो माहौल बिगड़ रहा है, माहौल नहीं बिगड़ रहा है, माहौल पूज हो जाएगा एक दिन, क्योंकि ढीले करने की कोई अंतिम हद नहीं है। हमारे खनिया थाना में एक युवक था बढ़िया बच्चा था, तो उसकी शादी हुई तो उसने शादी के इंटरव्यू में सब बता दिया था, मैं सुमत प्रकाश जी जुड़ा हूँ ऐसा वैसा सब बता दिया, और मैं मेरा भाव यदि हो जाए तो मैं चला भी जाऊंगा सब बता दिया लड़की को, तो ये भी बता दिया मैं रात को नहीं खाता बाजार में नहीं खाता डीजे पे नहीं नाचता सब कह दिया उसे सब बता दिया। अब शादी हो गई, पत्नी आई अब रोने लगी, हो पानी तो पी लो रात के वहां में कहा है पानी तो पी लो, तीन दिन हो गए रोती रोती। सो फिर वो हमारे पास आया, पंडित जी मैं पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, सोच रहा हूँ रोज उसके लिए सो रहा इससे पानी पी लूं, मैं बिल्कुल मत पीना भूल के मत पीना, तो आज वो पानी के लिए रो रही कल दूध के लिए रोएगी, फिर जब तुम दूध पीने लगोगे अब जब दूध पी लो तो क्या इतनी सी रबड़ी और खा लूं, इतने से ड्राई फ्रूट खा लूं, फिर इतने वो कभी खत्म ही नहीं होगी वो चीज, और तुम आज ही पक्के रहो बस अब कुछ नहीं होगा। और सही बात है उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो समझ गई ये बिल्कुल आल प्रूफ है, प्रूफ समझते प्रूफ आल प्रूफ। जीवन में दृढ़ता रखो, दुनिया फिर कह रहे परद्रव्य और परद्रव्य के भावों के बारे में मत सोचो क्योंकि उससे तुम्हारा भला बुरा नहीं होता है, लेकिन हाँ उनके चक्कर में पढ़ के अपना भला बुरा होता है, भला तो नहीं होता बुरा ही होता है जी। कह रहे क्या कह गए हम, उनके चक्कर में पढ़कर अपना बुरा ही होता है। ये तो अभी असुम्य लिया असुम्य लगाओ, साक्षात सिद्ध मिल जाए तो क्या करोगे, हाँ आनंद आ गया, तो क्या आनंद आ गया, तुम्हें अनुभव तो नहीं हुआ ना, साक्षात अरहंत ही मिल जाए आचार कौन कौन मिल जाए तो क्या हो जाए, इसका मतलब उल्टा नहीं लगाना। ये द्रव्यानियों की शैली चल रही है, चरणानियों में तो अपन अहोभाव कहेंगे लेकिन उसे लाभ क्या हुआ। सुनो अपना लाभ अपने से ही होता है, अरहंत सिद्ध भगवान की और देखने से भी लाभ होता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, अब ये दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट थोड़ा और सूक्ष्म है, परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने भावों से भी कथनचित भिन्न। यहाँ क्या लिखा है कथनचित भिन्न, कथनचित माने सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि जो मोहराग देश भाव है जीव के ही भाव है, मोहराग देश है जो वो जीव के ही भाव है। तो फिर कथनचित भिन्न क्यों कह रहे हैं कि तुझे आत्मा का अनुभव करना है ना, तो ये भाव तेरा भाव नहीं है। इसके लिए दो तीन दृष्टांत देता हूं पकड़ने के लिए, पॉइंट तो आगे इस ख्याल में कि वो जो तेरे ही भाव है तेरे ही भाव, जैसे अग्नि के निमित्त से पानी गर्म हुआ तो अग्नि के निमित्त से होने वाला पानी का गर्म भाव ये किसका भाव है, ये पानी का ही है। तो तुम्हें पीना है पानी, पीना है प्यास बुझाना है, तो ये गर्म भाव पानी का स्वभाव है या पानी का सीता स्वभाव है, किसका स्वभाव है, पानी में जो गर्माश है गर्माश, तो तुम गर्मी देख के पी पाओगे या गर्मी से भिन्न पानी पीकर पी पाओगे। यदि गर्म गर्म पानी स्वभाव मान लोगे तो पी नहीं पाओगे, ओ इतना गर्म आप पी नहीं पाओगे। एक दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत दे दे, दूसरा दृष्टांत बचपन में ऐसा गेम खेलते थे, क्या नाम है तुम्हारा, परी तो अंशी, अच्छा अंशी ठीक है, तो अंशी तुम स्कूल में गेम खेलती हो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं हाँ ढीला करो हाँ ढीला करो, खेलती हो नहीं खेलती, नहीं खेलती तो आज खेलना है। तो बच्चे ऐसे खेलते हो ऐसे हाथ ढीला कर दिया, ढीला करो ढीला करो, देखो एक गेम दिखाए तुम्हें, एक गेम दिखाए, ऐसे बातें करते करते करते
नहीं तुमने खेला नहीं खेला नहीं खेले हाँ इनने खेला हाँ अपन सब अब वो खेला तो इतनी जम के पड़ा तो वो उससे लड़ पड़ता है तुमने हमें क्यों मारा तो भैया तुम अपने फिंगर प्रिंट मिला लो तुम अपने फिंगर प्रिंट मिला लो हमने मारा कि तुमने ही तुमको मारा अब हमारा तुमसे प्रश्न है बोलो जी खुद ने खुद को मारा कि उसने तुमको मारा बोलो क्या कह रहे हो तो हम कहेंगे तूने हमें मारा भले ही हाथ हमारा है लेकिन तूने मारा पॉइंट पकड़ में आ रहा कोई तो हम उससे लड़ते हैं तुमने क्यों मारा हमें हमने तो नहीं मारा तुम्हारी हाथ था तुम्हारी गाल था तुमने मारा तो हमारे हाथ हमारे गाल होने पर भी जे हाथ का चांटा तुम्हारा है हमारा नहीं है ऐसे ही अग्नि के निमित्त से होने वाला गर्मीपन वो पानी का नहीं है अग्नि का है ऐसी पत्नी के लक्ष्य से होने वाला राग वो पत्नी का है आत्मा का नहीं है भगवान के लक्ष्य से होने वाली भक्ति का राग भक्ति वो भगवान की भक्ति है हमारी नहीं है हम तो शुद्ध चेतन है हम तो शुद्ध ज्ञाता है हम तो मात्र ज्ञायक है दो दृष्टांत दे दी बोलो पकड़ में आ रही बात कौन ने मारा है आगे समझ में आया ऐसे ऐसे विचार करके देखो क्यों तुम्हें अनुभव किसका करना है आत्मा का अनुभव करना है ना तुम्हें ज्ञान स्वभाव का अनुभव करना है तो पर के निमित्त से होने वाले अपने भाव भी भिन्न है और सरल दृष्टांत देती कभी किसी आदमी को गुस्सा आता हो तो उससे कहो क्या तुम गुस्सा क्यों करते हो भैया मैं सही बताऊं मैं बिल्कुल गुस्सेल नहीं हूं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूं लेकिन जी है ही ऐसी ये है ही ऐसा इसकी शक्ल देख के गुस्सा आती है आता है तुम्हें से किसी है जिसको देख के गुस्सा आता था अरे बोलो ना है कोई ऐसा जिसे देख के गुस्सा आता है तो अपन क्या बोलते तो फिर कई बार अपन जैसे पति पत्नी का मामला हो तो पत्नी पति को कहती हम का जानू भी गुस्सा करते हैं हमका गुस्सा करना चाह रहे अब तुम्हें ही करवा दो क्या मतलब निकला इसका कि जी गुस्सा हमारा नहीं है जो तुम करवाते हो ये तुम्हारा है गजब है क्या लॉजिक है साइकोलॉजी में देखो ज्ञान आत्मा का होता है कि किताबों का होता है बोले आत्मा का लेकिन वो ज्ञान यदि किताब के लक्ष्य से आए तो किताब का ही है वो साइंस का ज्ञान पॉलिटिक्स का ज्ञान फिजिक्स का ज्ञान केमिस्ट्री का ज्ञान ये ज्ञान कैसे हो गया बताओ कैसे हो गया जी फिजिक्स का ज्ञान कैसे हो गया एक फिजिक्स की किताब है समय सार का ज्ञान तो समय सार तो जी रहा इसमें ज्ञान है क्या कि नहीं इसे पढ़ करके जो ज्ञान हुआ उसे हम कहते हैं समय सार का ज्ञान मैंने हमारा ज्ञान नहीं मैं तो ज्ञानमयी हूं मैं तो ज्ञायक हूं मैं तो मात्र ज्ञायक हूं बस खत्म जितना भी ऊपर के लक्ष्य से होने वाला भाव है ऊपर का है मेरा नहीं समझ में आया कि नहीं आया तीसरा थोड़ी मेहनत का है थोड़ा समझ में आया कि नहीं भैया और बोलू दृष्टांत मैंने घोंटो इसको फिर से बोलो आत्मा में ही ज्ञान हुआ है लेकिन पर के लक्ष्य से हुआ है तो पर का है वो हमारा नहीं है और दृष्टांत दे रहे पानी कितने प्रकार का होता है पानी कितने प्रकार का होता है अब स्वभाव से देखो तो H2O है ना फार्मूला है ना H2O नहीं मालूम अभी तुम छोटी हो इसलिए नहीं मारा तो H2O पानी का लेकिन अपन क्या कहते हैं लेटरिन का पानी बाथरूम का पानी पीने का पानी नहाने का पानी बोलो तो पानी कितने प्रकार का हो गया कि पीने के लक्ष्य से है तो पीने का पानी अब पानी का पानी नहीं कहेंगे अब पानी नहीं कहेंगे अब पीने का पानी पत्नी का राग बच्चों का राग खा रहा है मुझे क्या बताएं बच्चों का राग खा रहा है तेरा राग कि बच्चों का राग देखो बच्चों के लक्ष्य से राग होता है ना इसलिए हम कहते हैं बच्चों का राग हमें दुखी कर रहा है क्या बताएं पंडित जी ये पैसे का मोह हमें बहुत दुख दे रहा है तो पैसा दुख नहीं दे रहा पैसे के लक्ष्य से होने वाला मोह तुझे दुख दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं वो पैसे का मोह है हमारा मोह नहीं मैं तो मात्र ज्ञायक हूं अनुभव करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ी सूक्ष्म बात है जी समय सार जी बहुत अद्भुत है लेकिन बहुत दृष्टांत देंगे आपको आया समझ में आया ऐसे नहीं पड़े चलिए समझ में आया और देने एक दृष्टांत मेरे दृष्टांत देने कहां से आते हैं बहुत आते देखो जब तक शादी नहीं होती ना लड़के की लड़की शादी नहीं होती तब तक वो मम्मी का होता है
किसका होता है वो? मम्मी का। जैसे उसे कुछ खाना हो तो मम्मी आज हलवा खिलाओ, आज भजिया खिलाओ, खीर खिलाओ, ऐसा करता है। और हमारे कपड़े धोके रख देना, हर चीज के लिए मम्मी के ऊपर डिपेंड होता है। सैलरी भी लाता है तो मम्मी ये लो आज की सैलरी, ऐसे करते ठीक है, ऐसा करता है। लेकिन जब शादी हो जाती है ना तो फिर वो हर चीज पत्नी से कहने लगता है, मुझे पराठा खाना है, मुझे ऐसा करना है, मेरे कपड़े तैयार रख देना, हर बात पत्नी। और फिर सैलरी भी लाता है महीने की तो वो भी उसी को चली आई। तो मम्मी बेचारी पहले महीने में इतनी बोर हो जाती है देखो महिलाएं हंस रही, स्वानुभूतियां चकराते हैं ना मैंने अब लड़का आता ही नहीं अपने पास, कोई बात करने नहीं आता, अच्छे की बुरे की, खाने की पीने की कपड़े की कोई बात ही करने नहीं आता, वो सीधे चला जाता बस। तो फिर अब जबकि बहू बहुत अच्छी चौथे काल वाली लड़ती नहीं है बिल्कुल, कुछ नहीं करती, वो हैरान भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। फिर भी एक महीना बाद सास का शकल उतर जाती है, मंदिर में बहुत शांति से ऐसे बैठ जाती है बिरागी होके तो लोग पूछते क्यों तबीयत खराब है क्या, कि नहीं तबीयत तो ठीक है। तो कोई झगड़ा हुआ? नहीं झगड़ा तो नहीं हुआ। तो बात क्या है? कुछ नहीं। अरे भूलो तो कुछ। अब महिला चतुर होती है ऐसे निकालने में अब सही में बहू खराब नहीं है, लड़का भी खराब नहीं है, कोई बात नहीं, उसे प्रॉब्लम भी कुछ नहीं, मतलब उसे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं किसी प्रकार का। लेकिन वो एक प्रॉब्लम हो गई कि लड़का अभी तक अपने पास आता था, अब वो नहीं आता, तो ये बहुत अभी अखरती है। तो फिर वो धीरे से कहती है, कोई से कहना मत बेटा बहू को होगा मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि बेटा बहू का कैसे हो गया, उसका तो हस्बैंड है अब जी जी डायलॉग चलते हैं ना वो इस टोन के हैं। अब जी इसलिए तो हम कह रहे हैं वो पर के निमित्त होने वाले अपने भाव भी उसी के ही है, हमारे नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति में होने वाला जो भक्ति का भाव है वो हमारा नहीं, भगवान आपका ही है, वो हमारा कुछ नहीं। मैं तो गायक हूं बस, तीन पॉइंट आने के बाद मैं तो मात्र गायक हूं। आप कहते ही हो जिसको अपन लोग व्यवहार में कहते हैं आपने हमें मार्ग दिया है, तो रत्नत्रय स्वयं ने प्रकट किया कि दूसरे ने दिए? वो तो आप मिल गए, आपने सुधार दिया, आपने हमें मार्ग बता दिया, आपका अनंत उपकार। तो ये क्या कर, जितना तुम्हारा काम हुआ ना, तुम्हारा हुआ तो तुमसे ही है, लेकिन उसे हम दूसरे को समर्पित कर देते क्योंकि मैं तो मात्र गायक हूं। इस संबंध में जाकर करता भी मैं नहीं हूं, भगवान ही है, भगवान ही है। उन्होंने दिया है मोक्ष, उन्होंने दिया है मोक्ष मार्ग, हमने हमारा कुछ नहीं इसमें। कितनी बड़ी बात हो गई, व्यवहार का व्यवहार निकल आया इसमें से और परमार्थ भी निकल आया कि ये मार्ग हमारा नहीं है, भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं। भक्ति में आता है, भक्ति में जिनवाणी स्तुति है, समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। कौन बनाता हमें? भगवान, हम नहीं बनते, मैं तो अनादि अनंत भगवान ही हूं क्या कह रहे हैं, मैं तो अनादि अनंत भगवान ही हूं। लेकिन समझ कर, यदि समझ जाए, समझ कर स्वयं में ही रम जावे यदि हम, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। इसका ही दिया हुआ है, इसका ही उपकार है, व्यवहार भी हो गया और निश्चय में देखा जाए तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो गायक है बस खत्म। तो ऐसे तीनों, देखो आपके सामने तीन कंडीशन बनेंगी, परद्रव दिखेंगे, परद्रव के भाव दिखेंगे और उनके निमित्त से होने वाले अपने भाव दिखेंगे। क्या बोला हमने, कौन बोलेगा? आपको जिंदगी में क्या क्या दिखाई देगा? परद्रव दिखेंगे, परद्रव के परिणमन माने भाव गुण पर्याय वो दिखेंगे और परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने भाव दिखेंगे। अब तुम्हारा भेद विज्ञान यही करना है अपने, बस परद्रव में शरीर और परद्रव का भाव माने मनुष्य और इसके निमित्त से होने वाले अपने भाव, मनुष्य जैसे राग, मनुष्य जैसा विकल्प,
मनुष्य जैसा खाना पीना, मनुष्य जैसा, ये अपना राग, ये तीनों से भिन्न हूं मैं, अभी भिन्न हूं, तुम भिन्न हो। हाँ परद्रव्य में पर नहीं, ये परद्रव्य में भी, और इसका परिणमन जैसे ठंडा गरम, इसका ठंडा गरम बुखार आ जाए, ये ठंडे ठंडे हाथ हो रहे क्या बात है, ऐसे बुखार आ रहा है क्या बात है, तो ये परद्रव्य पुद्गल, और पुद्गल का परिणमन मन शरीर, परद्रव्य में पुद्गल, और पुद्गल का परिणमन मन शरीर, और फिर इसके निमित्त से होने वाले अपने भाव भी कैसे होते हैं। तो जो भाव होते हैं, जैसे तुम लड़का हो तो शादी करने का भाव कौन से आएगा, लड़की से, तो जी जो भाव है ना, तुम तीनों से भिन्न हो, तीनों से भिन्न हो, और इसीलिए आगे जाकर के 14 गुणस्थान पुद्गल के, 14 गुणस्थान जीव के हैं कि पुद्गल के हैं, 14 गुणस्थान कौन के, जीव के कि पुद्गल के। तो आचार्य कहते हैं चूंकि वो कर्म के सापेक्ष है ना, कर्म के उपशम, उदय उपशम, क्षय उपशम सापेक्ष है, ओहो तो ये 14 गुणस्थान हमारे नहीं है, ये 14 गुणस्थान उसी के ही है। 50 से 55 नंबर की गाथा में 14 गुणस्थान पुद्गल के हैं हमारे नहीं, क्यों पुद्गल में होते हैं गुणस्थान, ये होते तो जीव में ही है, लेकिन पर के निमित्त से होने वाले अपने भाव भी पुद्गल के हैं। पढ़ना 50 से 55 नंबर की गाथा की, कौन से हेंगे से कह रहे हैं वो, बेटा बहू को होगा कौन का हो गया, बेटा बहू का हो गया, अब समझदार समझ गए बस आगे समझ में आया कठिन पड़ रहा थोड़ा, थकान है मजेदार भी सर, ये तो घोटाई करने वाले सब्जेक्ट है, मुझे ऐसा नहीं ज्यादा पढ़ने की वो नहीं होती, फटाफट कर दो वो नहीं, एक ही शब्द पियो चिकित्सा, 3 पॉइंट आगे, परद्रव्य, परद्रव्य के भाव, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने भावों से कथनचित भिन्न, सर्वसा भिन्न नहीं है, तो अपने ही भाव लेकिन वो कथनचित भिन्न है, क्यों मुझे आत्मा का अनुभव करना है, वो मेरा भाव नहीं। दृष्टांत दे रहे, एक कुंवारी लड़की से पूछो तुम्हारी ननंद कहां है किससे पूछ रहे, कुंवारी लड़की से पूछ, तुम्हारी ननंद कहां है, बताओ कहां है, बोलो तुम्हारे पति कहां है, बोलो तुम्हारे सास ससुर कहां है, तुम्हारे कितने देवर है, पूछो उससे, कुछ नहीं बता सकती है, हमारे कोई नहीं, हमारे कोई नहीं। और जैसी शादी हुई तो पर के निमित्त से, अभी अपने भी रिश्तेदार हो गए पर के निमित्त से भी अपने रिश्तेदार, जी भाई बहन जी, बहन मन ननंद को बहन कह देते, हमारी जी जी है बड़ी हो तो जी जी, तो है तो ननंद नहीं, और जी हमारे फुआ सास, तो पहले कहा नहीं थी तुम्हारी फुआ सास, जी तो तुम्हारे घर के सामने ही रहती थी, नहीं होता ऐसा, और फुआ सास घर के सामने ही रहती थी, तो उनसे पूछ जी कौन है तुम्हारी अब कौन है फुआ सास, तो जी आए कहां से, कि इनके निमित्त से आए, इसलिए इनके रिश्ते, इनके रिश्ते हैं हमारे कोई नहीं, हम तो पहले ही जैसे हैं, हम तो पहले ही जैसे अभी तुम्हारे कितने नाम है बताओ, तुम्हारे कितने नाम है, है? कौन कौन से, डरो नहीं डरो नहीं बोले, हाँ एक विनय और दूसरा है रानू, और तीसरा कुछ नहीं है, आत्मा का नाम नहीं, चल अभी दो ही नाम है, चल दो, लेकिन तो मामा नहीं है, चाचा नहीं है, बेटा नहीं है, तो फिर कितने सारे नाम हो गए, पॉइंट पकड़ में ना, ओ तो ये सब नाम उधर से आए, सामने भांजा आया तो मामा हूं, तो फिर ये मामा बना तुम अनुभव नहीं करते, तुम रोटी खाते समय केवल विनय अनुभव करते हो, नींद लेते समय केवल विनय अनुभव करते हो, प्रवचन सुनते समय क्या अनुभव करते हो, मैं मात्र विनय हूं, लेकिन इतने कोई मामा आ जाए, भांजा आ जाए, अरे मैं मामा, और भतीजा आ जाए तो मैं चाचा हूं, तो हमें समझ नहीं आ रही, एक नाम बताओ कैसे तुम चाचा हो कि मामा हो, कि पंडित जी आप नहीं समझोगे, मैं तो मैं ही हूं, लेकिन जो रिश्तेदार है ना इनकी वजह से नाम बदल जाते, 14 गुणस्थान आत्मा में है कि नहीं, आत्मा में होते हैं कि नहीं 14 गुणस्थान बोलो, इधर कर्म का उदय होता है, उपशम होता है, क्षय होता है, छह उपशम होता है, 14 नाम पड़ जाते हैं, नहीं पड़ जाओ हटो, हमें हम कैसे, मैं तो आत्मा ही हूं,
अरे समझ आया, मैं तो आत्मा ही हूं। नाम बदल जाता है, बहुत नाम बदल, अब दृष्टि ना ली तो फिर कितने नाम निकले टोटल गिन के बता सकते कितने नाम आए तुम्हारे? नहीं बता सकते। अभी श्रोता हो, अभी सड़क पर चलोगे तो रायगीर हो, देखो किसी नाम बदल जा रहे, देखो। लेकिन तुमने सोचा था रायगीर है हम, लेकिन कोई पूछे तो बता भी दोगे मैं रायगीर हूं, कह दोगे आप मैं श्रोता हूं, मैं वक्ता हूं, कह दोगे आप भक्त हूं, कितने नाम पड़ जाएंगे। लेकिन ये सब नाम का अनुभव होता नहीं, ऐसे ही 14 गुणस्थान का अनुभव होता नहीं, क्योंकि 14 गुणस्थान का नाम कहीं और से पड़ता है। अच्छी भाषा में बोलो तो पर के निमित्त से होने वाला मेरा भाव भी मेरा नहीं है। काय के लिए कह रहे हैं मेरा नहीं है? अनुभव के लिए। काय के लिए? अनुभव के लिए। आप बताओ क्या अनुभव करते, बोलो आप क्या अनुभव करते? यदि हम नहीं कहते तो आप श्रोता अनुभव कर रहे थे कि बिना अनुभव कर रहे थे? हाँ जी, समझ में आ गया। हाँ, ऐसा क्या प्रत्यक्ष आत्मा है, क्या गजब, बहुत मेहनत लगती है थोड़ी सी, प्रत्यक्ष आत्मा कितना सुंदर है। अभी तो और माल है इसमें, अनंत धर्मनस्त तत्वम चलेगा अभी तो। प्रत्यक्ष आत्मा का ले लिया, पर पदार्थों उनके गुणों पर्याय रूप भावों और पर पदार्थों के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से, अपने विकारों से मतलब विकारी पर्याय नहीं लेना, विकारी अविकारी दोनों पर्याय लेना, या विकारी अविकारी दोनों पर्याय लेना, पर 14 गुणस्थान लिया ना, दोनों प्रकार के पर्याय लेना। आगे क्या कह रहे हैं, कथनचित भिन्न, कथनचित भिन्न समझ गए, और एकाकार, पर से भिन्न और अपने से एकाकार। एकाकार माने एक ही हूं, आकार का एक अर्थ होता है निर्णय, एक पने का निर्णय, और वैसे देखो तो अभेद, तो मैं भेद है कि अभेद है, समझाने के लिए भेद, वैसे अभेद, समझाना हो तो मेरी दो आंख है। हाँ गया, तुम्हारी कितनी नाक है, तुम्हारी नाक कितनी, नाक नोज एक ही है, अच्छा कान दो, ओंठ दो, ठीक है। तो तुम कितने हुए टोटल लगाओ, बस बस मैं एक ही हूँ, ओंठ दो है, आंख दो है, कान दो है, नाक एक है, और टोटल निकला गजब। कितना सारा लग रहा, कितने गुणस्थान है तुम्हारे, ये 14, और टोटल लगाओ एक ही। पर से भिन्न स्वय से अभिन्न, इसको आगे की गाथा में कहेंगे, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, प्रमाण करना, प्रमाण करना, छल ग्रहण नहीं करना। अनिकांत में आएगा एक अनेक नित्य अनित्य, बहुत माल है, बहुत माल, ये तो इसमें कर नहीं सकता, अनिकांत का पूरा अर्थ नहीं समझा पाएंगे, पूरी जिंदगी बैठे तो नहीं समझा पाएंगे। हम तो थोड़े थोड़े सवाल करवा देते हैं आपको, दो चार बाकी आप लगाओ। सच कह रहे, ऐसा ऐसा है जी, जैसे कोई कुछ ऐसी चीज आ जाए चूसने वाली जो कहूं खत्म ना हो, ऐसे मुंह ले चूसते रहो कभी खत्म ही ना हो, आपको आती है ऐसी कुछ, हमें नहीं मालूम क्या होता है, नहीं आता हो कोई बात नहीं, चूसते रहो, ऐसी बढ़िया चीज है, ऐसी गजब आएगा, कल बताऊंगा ना अनेकांत के, कल बताएंगे अपन। कथनचित भिन्न एकाकार अनंत धर्मात्मक निज आत्म, अनंत धर्मात्मक निज आत्म तत्व को देखने वाली, जानने वाली, प्रकाशित करने वाली अनेकांतमय मूर्ति सदा ही प्रकाशित रहे, जयवंत रहे। अब कैसे प्रकाशित रहे, जयवंत रहे, जी कल बता पाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं बता पाएंगे, इशारा भले कर दे रहे लेकिन मजा तो नहीं आता, मुझे इशारे मजे नहीं आता, कोई भी मेरे से कहने आप संक्षेप में समझा दे तो नहीं समझा सकते, मैं समझा नहीं सकते संक्षेप, बहुत विस्तार करने की आदत है बहुत। तो जी क्या कह रहे हैं, तो मैं उसको शॉर्ट में अभी कहता हूं, कल चलाएंगे उसको। अनेकांत मूर्ति या जिनवाणी को कह रहे हैं अभी व्यवहार में, अनेकांत मूर्ति जिनवाणी, क्योंकि जी अनेकांत के प्रसिद्ध करने वाली है, तो इस जिनवाणी को भी अनेकांत मूर्ति कहते हैं। यहां आशीर्वचन लिखा है इसमें, आशीर्वचन, हम आशीर्वाद चाह रहे, आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं हमें आशीर्वाद दो,
कि वो अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाश ना हो, मुझे नित्य प्रकाशित होती रहे, जयवंत बनी रहे, मन में एक समय भी ना भूलू, एक समय भी ना भूलू, है ना। अब घड़ी हो गई इसलिए उठाने का मन नहीं कर रहा, उठा दूंगा तो एक घंटा लग जाए। दो बातें कहनी, कल कर लेंगे, अनेकांत मूर्ति और फिर प्रकाशमान हो तो क्या कहना है। एक लाइन से आओ तो आप समझ लो आप, नहीं तो कल देखेंगे वो विस्तार, नहीं तो अभी एक लाइन, नहीं नहीं एक लाइन कह रहे, आज संडे भी है ना, अंधकार है, अब टाइम से कर लौटा तो हम एक लाइन कह छुट्टी कर। ध्यान सुनना, देश ना लब्धि का विषय है अनेकांत मूर्ति। क्या बोल गया, देशना लब्धि, देशना लब्धि होती है ना, देशना लब्धि किसका नाम देशना लब्धि है, तो प्रथमानुयुग देशना लब्धि नहीं है, चरणानुयुग देशना लब्धि नहीं है, कर्णानुयुग देशना लब्धि नहीं है, ये जो अनेकांत मूर्ति निज भगवान आत्मा है ना, ये देशना लब्धि जिससे सम्यक दर्शन होता है। फिर से बोलो, पकड़ में आई बात क्या कह रहे। जैसे अपन लोग क्या करते, हम तो खूब स्वाध्याय कर रहे, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा प्रथमानुयुग पढ़ने से, क्योंकि उसमें देशना का विषय अनेकांत मूर्ति नहीं आई। तुम सीता का उनका विचार करोगे पांडवों का तो मंद कसाय तो हो जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा। जी इसमें एक खास बात कहनी है, करके देखो आप विचार करो तो आप उधर से थोड़ी मंद कसाय तो होगी लेकिन सहानुभूति नहीं होगी। चरणानियों में विचार करो, हम तो रात को नहीं खाते, हम ऐसा करते, हम पानी छान के पीते, ऐसा करते जो जो करो, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होगा। उल्टा नहीं पकड़ना, देशदन लब्धि किसे कहते हैं, ये है प्रश्न। बहुत सिंपल सी बात है, अपन लड़का के लिए लड़की देखने गए और लड़की संबंधी कोई बात नहीं कर रहे, तो लड़की पसंद आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। अरे लड़का के लिए लड़की देखने गए और बातें क्या कर रहे, क्यों यहाँ कितने तालाब हैं बांधा में या दुर्ग में कितने तालाब हैं, और यहाँ के मौसम कैसा रहता है, और यहाँ की असली फसल कौन सी है, और फल व्यापार काय का है, और भिलाई से दूरी कितनी है, और मंदिर कितने हैं, और सिनेमा टॉकीज कितने हैं, जैसे का मतलब निकले। वही लड़की की बात करो तो देश ना लब्धि हो। यहाँ पर कह रहे हैं वो शुद्ध आत्मा जो पृथक आत्मा है ना, जो अभी पढ़ाया इतनी देर, इससे सम्यक दर्शन होता है। परद्रव से भिन्न, परद्रव के भावों से भिन्न, और परद्रव के निमित्त से होने वाले अपने भावों से। सच कह रहे जी, होमवर्क पकड़ लो, मोक्ष में मिलोगे। हाँ अब इस वस्तु स्वरूप का निर्णय करो जिससे देशना लब्धि होगी। मैंने आप और विचार करते हैं ना, उससे देशना लब्धि नहीं होगी, खुद को ही होना चाहिए। समझ में आई बेटे, थोड़े में कह दिया अभी। अब क्या कहना चाह रहे वो आप समझ लो, घंटों गुणस्थान मांगना स्थान पढ़ते रहे, जे नहीं पढ़ पाए कि गुणस्थान मांगना स्थान मेरे में नहीं है। पिछली बार पढ़ा गया था गुणस्थान, याद है, चौदह गुणस्थान मेरी शोभा नहीं है, आत्मा को चौदह गुणस्थान की जरूरत नहीं। चौदह गुणस्थान हो तो हो, नहीं हो तो मत हो, मैं तो सदा गुणस्थान अतीत हूं। पढ़ा गया था पहले गुणस्थान, पढ़ाया था खूब खूब विस्तार। चौथा चाहिए कि चौदह चाहिए बोलो, चौथा चाहिए कि चौदह चाहिए बोलो। सोगानी जी ऐसे बोले, सोगानी जी ऐसे बोले, यदि कोई आके कहे भैया केवल ज्ञान ले लो, तो हम कहाँ रखेंगे। यदि अपने पास केवल ज्ञान आ जाए तो हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखोगे। अरे नहीं हमें चाहिए ही नहीं, मैं तो पूरा ज्ञान रस से भरा हुआ हूँ, अब केवल ज्ञान हम क्या। अच्छा सही बताना ईमानदारी, केवल ज्ञान किस काम आता है। केवल ज्ञान से ना तो पुरुषार्थ होता, केवल ज्ञान से ना तो मोक्ष मार्ग होता, केवल ज्ञान से ना मोक्ष होता। जितना काम होता था वो तो मति शुद्ध ज्ञान ने पुरुषार्थ कर लिया पूरा, यथा ख्या चाहे बारहवें में हो गया, मतलब 100% काम तो पहले हो ही चुका। केवल ज्ञान का काम इतना है कि तुमने बहुत टेस्टी बर्फी बनाई मेहनत कर करके कर करके, और बाकी बाद में सबसे आखिरी में केवल ज्ञान का बर्फ चढ़ा दिया बस। क्या कह रहे नहीं समझे, बर्फ नहीं चढ़ा दी थी, बर्फ सोने का चांदी का बर्फ चढ़ा, तो वो केवल ज्ञान क्या करता है, पूरा पुरुषार्थ करा मतिशुद्ध ज्ञान ने। और यथाख्याचारित अनंत सुख, यथाख्याचारित मैंने अनंत सुख हो गया,
नाम तो अनंत केवल उपचार है, वो पूरा सुख तो हो चुका, अब करता क्या केवल क्या। अब उसमें स्वयं को जानता है तो वो तो पहले से ही जान रही थी, और पर को जानता है तो किसी काम नहीं आता। तीन लोग तीन काम को जानना क्या काम आता है बता। हाँ हाँ बोलो थोड़ा सा बोलो। तो तीन लोग तीन काल के निमित्त से होने वाला केवल ज्ञान से भी भिन्न हूं। क्या कह क्या कह, तीन लोग तीन काल उनके निमित्त से जान रहे थे ज्ञानकार, जान रहे थे सकल द्रव के गुणानंद पर जान रहे थे, वो अपना भाव केवल ज्ञान कौन का भाव अपना भाव, मैं तो उससे भी भिन्न हूं, मैं तो ज्ञानमयी हूं। समझ आया, थोड़ा थोड़ा थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी, आज का प्रवचन बार बार सुनना पड़ेगा, लेकिन घोंट लेना मोक्ष में मिलना हो तो। कितना सुंदर है, चलो भाई ओम नमः शिवाय।